मेरठ के प्रतापपुर के शताब्दी नगर स्थित राधेश्याम मोरारका माधव कुंज में आयोजित भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के अधिवेशन में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर बीके सिंह और यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शिरकत की। वहीं अधिवेशन में यूपी सहित 16 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल बीके सिंह ने कहा कि मजदूर महासंघ देश के विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार भी महासंघ के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। देखिए, ऐसा है कि टोल के बारे में प्रधानमंत्री जी की एक राय है। उनका कहना है कि किसी भी चीज़ का जब हम उपयोग करते हैं, अगर वहाँ पर कुछ देना पड़ता है तो वो देना चाहिए सबको। तो इसके बारे में सोच विचार चल रहा है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कहाँ पे रियायत देनी चाहिए, कहाँ पे नहीं देनी चाहिए, किन लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायरा है। आज अगर हम कहें कि आपको रियायत देनी चाहिए, कल एक दूसरा ग्रुप आएगा, तो ये करते करते तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें पूरी प्रक्रिया के अंदर। तो इस पॉइंट को लेकर जा रहे हैं, कैसे उसको कर सकते हैं उसके बारे में सोच विचार। गढ़वाल के चारधाम यात्रा में नकली नोट की बड़ी खेप चलाने का देवप्रयाग पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे जब पूछताछ की तो पता चला कि वह चारधाम यात्रा के दौरान नकली नोटों की एक बड़ी खेप लेकर के आए थे। चारों के पास से 200 नकली नोट मिले हैं। इन चारों में से एक युवक जिसका नाम सूरज है, वो दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। मुरादाबाद में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। जहां युवक ने दबंगों पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है, वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स से मामले की शिकायत की है। ये पूरा मामला थाना सिविल लाइन्स इलाके का है। अंबर शर्मा, रेडियो स्ट्रीट। क्या मामला हुआ? सर मामला कोई नहीं था, ये अज्ञात लोग थे। हम फंक्शन में आ रहे थे, फैमिली फंक्शन था, भैया की शादी थी, चचेरे भैया की। ये लोग आए, गाड़ी में टक्कर मारी, उसका समझा बुझाया भाई, फिर चले गए, फिर लौट के दोबारा आए, फिर लौट के तीसरा भी लौट के आए, फिर लड़के लोग को बुलाया 15-20 और मारपीट चालू कर दी एकदम। चमोली में कल सुबह 6:15 पर भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, जहां श्रद्धालु बोल बद्री विशाल भगवान की जय के जयकारे के साथ हजारों की तादाद में पहुंचने लगे हैं। भगवान बद्रीनाथ जी के बद्रिश पंचायत की शोभा बढ़ाने के लिए देव डोलियां भी पहुंची हैं। बड़ी संख्या में लोग इन देव डोलियों के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर सहित सिंह द्वार को गेंदे और चंपा चमेली के फूलों से सजाया जा रहा है। हमीरपुर में एडीजी प्रेम प्रकाश और मंडल आयुक्त दिनेश कुमार भ्रमण कर सड़क निर्माण अवैध कब्जा किए दुकानदारों को स्वेच्छा से अपना कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिया। इस दौरान जिले की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जांच की। एडीजी ने कहा कि जिले के क्राइम कंट्रोल में लूट हत्या की वारदाताओं में कमी आई है। निरीक्षण के दौरान डीएम एसपी के साथ मंडल आयुक्त भी मौजूद रहे। आज हमीरपुर का दौरा किया गया है और यहाँ पुलिस लाइन में सबसे पहले आकर मैंने पूरे जनपद का जो क्राइम है उसकी समीक्षा की। क्राइम बिल्कुल अभी कंट्रोल में है, लूट की हत्या की घटनाओं में कमी आई है, जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ वो बढ़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे उन सभी से अभी मैंने इनको अवगत भी कराया और साथ ही उसकी समीक्षा की कि कितना काम उसमें हो चुका है। इसी बीच यहाँ जिलाधिकारी जी और हमारे कमिश्नर साहब भी हमारे साथ आए हुए हैं। पहले पुलिस लाइन में हमने समीक्षा की, साथ में रहे और आज फुट पेट्रोलिंग की है पूरे नगर क्षेत्र में, जिसमें जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट किए गए थे उन सभी को सचेत किया गया है, उनको प्रेरित किया गया है कि स्वयं अपना एनक्रोचमेंट हटा लें, उसके बाद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में पुलिस ने दबंग ग्राम प्रधान के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि महिला की सरेआम ग्राम प्रधान द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दरअसल महिला ने ग्राम प्रधान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने महिला की पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बिजनौर में महिला के पीटने संबंधित वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला थाना चाँदपुर के बेरखेड़ा गाँव का कल शाम का है। मकान का एक साजिद नाम के मौजूदा प्रधान ने एक महिला जो उसी समुदाय के मुस्लिम समुदाय की
पंचायत घर के पास खेत के पास मामूली कहा सुनी को लेकर के उसके साथ मारपीट किया, अभद्रता किया। इस संबंध में छेड़खानी एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौजूदा प्रधान को हिरासत में एवं हवालात के अंदर रखा गया है। विधिक कार्रवाई करके आज उसे जेल भेजा जा रहा है। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ जो हुआ कि वो किसान आया, ठीक है, मैं जंगल जा रही थी, तब लोगों को चारा मिला, जंगल जा रही थी, फिर धान ला कर मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर नीचे बोला ले चल, तो मेरे साथ चल, गया मैं भी जाऊँगी, कहाँ ले जाएगा, बोला गला संबंध करूँगा तेरे साथ। इटावा में मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 49 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जहां बरामद गांजे की कीमत 14 लाख के करीब बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार तस्करों के पास से एक मोपेड गाड़ी भी बरामद किया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में एसएसपी पंकज भट्ट ने लगभग 5 दर्जन पुलिस के सिपाहियों का तबादला किया है। दरअसल ये कई वर्षों से एक ही थाने में तैनात थे, जिसके बाद इन सिपाहियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। कन्नौज में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी से मामूली विवाद को लेकर के मारपीट हो गई, जहां दोनों पक्षों से 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला गुरसहायगंज कोतवाली के किदवई नगर का है। बदायूं में दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने परिवहन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बदायूं के दातागंज से 4 जनपदों के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए कहा गया है। दातागंज से बरेली, दातागंज से शाहजहांपुर और कासगंज फरुखाबाद को बस सेवा समय सारणी के अनुसार शुरू करने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बैनार कार और अज्ञात वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जहां भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा माइलस्टोन 68 के पास हुई है, जिसमें मरने वालों में 3 महिला 3 पुरुष सहित 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइल स्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन UP16DB9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं 1 बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। 1 पुरुष 1 बच्चा घायल है, जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। यह वाहन संडीला हरदोई से नोएडा की ओर एक वैवाहिक समारोह में जा रहा था। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज के रामलीला परिसर में भारत विकास परिषद और हल्द्वानी सिटी ब्लड सेंटर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश कुमार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि योगेश कुमार ने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने में सबसे ज्यादा सहायक है। आपके द्वारा समय समय पर दिया गया रक्त जरूरतमंद लोगों के इतना काम आता है कि रक्त की आवश्यकता पड़ने पर संजीवनी के रूप में काम करता है। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सुरेश जैन ने कहा कि रक्तदान महादान है और लगातार इस महायज्ञ में निरंतर अपना योगदान दे रहे दानदाताओं का आभार। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मालों के निस्तारण के संबंध में चलाए गए अभियान के दौरान उच्चाधिकारी गणों के आदेशानुसार थाना कोतवाली देहात पर वर्ष 2016, 2018, 2020 और 2021 के आबकारी अधिनियम के 58 मालों मुकदमाती की सूची बनाकर के न्यायालय के समक्ष नष्ट करने के लिए प्रेषित की गई, जिसमें न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के 58 मालों मुकदमाती को नष्ट करने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।